नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आपको चेन्नई में भीषण बारिश के कहर से मचे हाहाकार पर अपडेट की रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं अमेरिका से। अमेरिका में एक बार फिर शूटआउट से कोहराम मच गया। करीब 3 बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 14 लोगों की जान ले ली। ये वारदात अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन बर्नार्डिनो कम्युनिटी सेंटर में हुई। अज्ञात हमलावरों ने कम्युनिटी सेंटर में अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसकी वजह से इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों में एक महिला भी शामिल थी। घटनास्थल पर बम निरोधक दस्ता भी तैनात किया गया। वहां पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस हमले के बाद ये हमलावर गाड़ी में बैठकर फरार होने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई इन पर की और 2 हमलावरों को मार गिराया। जिस दौरान ये हमला किया गया, जिस इमारत पर यह हमला किया गया, उस वक्त वहां कम्युनिटी सेंटर में एक पार्टी चल रही थी जिसमें करीब 300 लोग शामिल थे। और जिस दौरान यह हमला हुआ उसमें 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गोलीबारी के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई, दहशत का माहौल। हमलावर किस मकसद से आए थे, कहां से आए थे, किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये आतंकवादी हमला है या नहीं, अभी इस पर कुछ स्पष्ट तौर पर पुलिस की तरफ से नहीं कहा गया है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है, लेकिन गोलीबारी के बाद वहां किस तरह की अफरा तफरी थी वो इन तस्वीरों में देखिए। एक पार्टी चल रही थी कम्युनिटी सेंटर में, उस दौरान ये हमला हुआ। अभी तक पुलिस ये कह पा रही है कि 3 हमलावर थे, जिनमें से 2 को मार गिराया गया और एक महिला भी इनमें शामिल थी। कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में कम्युनिटी सेंटर पर यह हमला हुआ। For those who are concerned about terrorism, some may be aware of the fact that we have a no-fly list where people can't get on planes, but those same people who we don't allow to fly could go into a store right now in the United States and buy a firearm, and there's nothing that we can do to stop them. That's a law that needs to be changed. तो राष्ट्रपति ओबामा ने इस घटना की निंदा की, साथ ही इस पर रिपोर्ट भी मांगी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं इसे सामान्य मानने को तैयार नहीं हूं, हमें अब गोलीबारी और हिंसा को हर हाल में रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। हिलरी क्लिंटन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और उन्होंने ये ट्वीट किया। इससे पहले भी अमेरिका में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जब इस तरह के शूटआउट हुए हैं। हालांकि ये हमला अभी किस तरह का है और किस मकसद के तहत अंजाम दिया गया, इस पर और रिपोर्ट आना और जानकारी आना बाकी है। आइए बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं हमारी खास रिपोर्ट का। चेन्नई में बाढ़ से हाहाकार।